आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, न्यूज प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसको हम कहते हैं जाति और धर्म से अलग हटके जो राजनीति है, उसमें अपने आप को आम आदमी पार्टी पर स्थापित करना चाहिए। क्या प्रदेश में सरकार बनेगी आप पार्टी? देखिए, सरकार पे तो हम ये नहीं कह सकते, वो तो जैसा जनता का आदेश आएगा। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अच्छी स्थिति रहेगी। हमें कहा जाता था हम शहरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो जनरली ये कहा जाता है। लेकिन हमने जो है ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और उसमें हमें 40 लाख वोट मिला था। तो ऐसा नहीं है, अगर गाँव तक चीज़ें जा रही हैं। मैं आपको बताती हूँ, एटा का प्रभार रहा है मेरे पास, एटा के गांव के अंदर भी मैं बैठती थी तो मुझे बता देते थे केजरीवाल जी ने कितना काम कर रखा है दिल्ली। तो ये परिवर्तन है राजनीति और जो उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, यहाँ पे एक मजबूत एक स्थिति में आम आदमी पार्टी इस बार दिखाई देने जा रही है। लेकिन सीएम चेहरा कौन होगा? सीएम चेहरे का मैंने आपसे जैसे कहा, देखिए आप एक चुनाव में उतरते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सीएम चेहरा आप आदमी पार्टी डिसाइड करती है। अभी हम 403 उस पर फोकस कर रहे हैं, पहली बार चुनाव में है। लेकिन मैं जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ, लोग खुले मन से इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी की राजनीति, एक अच्छी राजनीति, बदलाव की राजनीति हम लाना चाहते हैं। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, बोपरा या DLF की तरफ जब मैं प्रचार में गई तो वहाँ कुछ महिला हमें मिली तो महंगाई से बहुत परेशान, उन्होंने ये मुद्दा रखा मेरे सामने। तो हमने उनको बताया कि भाई इस तरह से हम काम करेंगे, तो बोले मैडम ऐसा कीजिए, हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी आए यूपी में, साहिबाबाद में भी आए, लेकिन आप कोई और तरीका निकाल के हमें दिल्ली में शामिल करा दीजिए। अच्छा। तो जनता की तो ये स्थिति है कि वो कह रहे हैं जी छोड़ दीजिए, बस आप हमें दिल्ली में कैसे भी शामिल करा दीजिए तो हमारा काम तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा, हम इसमें। तो इस तरह का माहौल है। जो अरविंद जी ने काम किए हैं उसका प्रभाव इस क्षेत्र में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है और जनता इस पर मुद्दे पर उठ रही है। जो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो जाति धर्म में बट के वोट देते हैं, तो उन लोगों के, उन मतदाताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जाति धर्म में देखिए, मैं इतना आपका नगर निगम के पास पैसा आता है, अगर मैं गली और सड़क की और उसकी बात करूं जो उनके क्षेत्र में आते हैं, और फिर विधायक का कितना सब रहता है। तो मेरा कहना ये है कि जनता से जुड़ा हर मुद्दा, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़क है, चाहे स्कूल है, वो इस क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं। वो कागजों में अगर होता हो तो अलग बात कि भाई आपने कागज में पूरा कर लिया, पैसा इधर उधर हो गया, सब हो गया, पुल हो गया, तो बात अलग है। जमीन पर कुछ नहीं है। आप प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम पूरी 403 सीटों पर चुनाव। हर बार पार्टी जो है ब्राह्मण प्रत्याशी को ही उतारती है, इस बार भी चारों पार्टियों ने ब्राह्मण ही प्रत्याशी उतारे, तो और ये लोग ये माहौल बनाते हैं कि ये ब्राह्मणी बहुल्य सीट है। क्या आपका मानना ऐसा है कि ये ब्राह्मण बहुल्य सीट है? देखिए, मैं अपनी पार्टी की अगर बात करूँ तो आम आदमी पार्टी में हम जहाँ भी जाते हैं ना, 1-to-1 लोग मिलते हैं, कहते भी हैं, लेकिन वो अभी खुल के नहीं, जो भी माहौल है उसमें वो ज़्यादा बोल नहीं रहे, चुप है। और दूसरा ये है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो तबका भी है, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं, ना आप देखेंगे वो ना सभाओं में आएगा, ना नारे लगाएंगे, ऐसा नहीं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कहते हैं हम आपका प्रोफाइल पढ़ रहे हैं और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का अच्छा वोट निकलेगा, ये मतलब मैं भरोसा है ना, जिस तरह के मैसेजेस हम पे आते हैं। लेकिन अभी जनता को ये ज़्यादा भरोसा है कि या तो योगी आएंगे या सपा गठबंधन अखिलेश आएंगे, एक विधायक को बनाने से हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए उधर ज्यादा रुझान जा रहा है। जी जी, देखिए विधायक तो जब अमरपाल शर्मा जी की अगर आप बात करेंगे, जो अभी कैंडिडेट हैं सपा के, उन्होंने जितना भी थोड़ा बहुत काम करवाया होगा ना, वो तब कराया था जब अखिलेश की गवर्नमेंट की 2012 में, और वो बसपा से विधायक थे। तो यदि हमेशा ऐसे ही होना होगा कि भाई मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का हो और विधायक भी हो तभी काम होगा, तो ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में चलता नहीं है। ये विधायक की अपनी नीयत और उसकी अपनी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.